तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एनएफटी है। एनएफटी मतलब कोई भी एक इमेज है, समझ लो कि एक इमेज है आपका, आपने एक इमेज बनाया है और वो इमेज कितने में बिकी है, 11.75 मिलियन डॉलर में बिकी है। अगर इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा हम देखते हैं, 11 मिलियन डॉलर इन रुपीज़, अगर मान लो मतलब 11 मिलियन डॉलर ही मान लेते हैं, 82 करोड़। भाई साहब दिमाग का दही हो गया भाई साहब, 82 करोड़, मतलब इतना ज़्यादा सोच लो 11 मिलियन डॉलर में ये बिका है। आप नीचे देखोगे तो ये 10 मिलियन डॉलर के आसपास, 7 मिलियन डॉलर्स। तो ये फ्री में आप बना के बेच सकते हो, आप भी ऐसा आर्ट बना सकते हो और आपका भी हो सकता है कि आप मिलियंस में पैसे कमा लो फ्री में बैठे बैठे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना एनएफटी फ्री में बना के कैसे आप उसको अपलोड कर सकते हो फ्री में। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे गैस प्राइसिंग भी लगते हैं, मतलब गैस प्राइस लगता है जब भी आप कोई भी अपना एनएफटी प्रोजेक्ट को आप मिंट करते हो, तो वो मिंटिंग में आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए एक तरीका लेके आऊँ जिससे कि आपको मिंटिंग में पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज़ में आप जो एनएफटी अपलोड करोगे वो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है एनएफटी से रिलेटेड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एनएफटी है क्या, तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, इधर आई बटन में कहीं पे होगा उस पर क्लिक करना, उस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, एनएफटी आखिर है क्या। आज का वीडियो हमारा रहेगा कि एनएफटी फ्री में अपलोड कैसे करते हैं, फ्री में कैसे आप अपना एनएफटी बना के वहाँ पे डाल सकते हो, तो इस पे वीडियो है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करना ना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का कि एनएफटी आखिर है क्या। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे कि एनएफटी यहाँ पे ये बना हुआ है, ये वजीर एक्स का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनएफटी वगैरह मिलते हैं। तो ये वजीर एक्स करके एक एनएफटी का प्लेटफॉर्म है। अगर इस बंदर को मैं देखूँ तो इस बंदर को किसी ने बनाया है, यहाँ पे हम देखते हैं तो इस बंदर को बनाया है अंचित भाई ने, और ये 25 जनवरी को इन्होंने डाला है। और यहाँ देखो 26 जनवरी को वही आपका यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग जो दिया था 22.71 डॉलर, ठीक है, 22.71 डॉलर में इन्होंने लिस्ट किया था इस मंकी को। किसी ने इसको ख़रीद लिया जिसका नाम है रॉब स्कीज़, और उसने कितने में ख़रीदा, तो ये 22.71 डॉलर में ख़रीद लिया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने लिस्टिंग कितना पे किया है, तो 285.37 USD, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा इसका रेट बढ़ा के इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, और कोई ना कोई इसको फिर से ख़रीद लेगा, तो रेट यहाँ पे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे जैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनएफटी वगैरह रहता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका हिस्ट्री देख सकते हो कि किसने बनाया, किसने उसको ख़रीदा, किसने कितने कितने में बेचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह से मतलब बहुत सारे हैं, आप बेसिकली कैसे कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है MetaMask, ठीक है, MetaMask लिखने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखो chrome.google.com लिखा हुआ है और साथ में MetaMask है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन आता है, क्रोम एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ऐड टू क्रोम पे हम क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद खुद ब खुद वो अभी हमारे क्रोम जो ब्राउज़र है उसमें ये हमारा वॉलेट यहाँ पे लग जाएगा। वॉलेट यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो वॉलेट के थ्रू होता है, और वॉलेट यहाँ पे कंपलसरी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, और MetaMask यहाँ पे काम करता है। और आज का वीडियो जो होगा ना, वो मैं फ्री में बताने वाला हूँ कि फ्री में कैसे। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि गैस फी उनको देना पड़ता है जो कि 22-37 डॉलर के आसपास का होता है, मतलब उसको अगर आप इंडियन में कन्वर्ट कर लेते हो, डॉलर इन रुपीज़ अगर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखो 17,000 के आसपास आता है, ठीक है, 17,500। तो ये हम फ्री में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपने एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, डाउनलोड हो गया है, अब ये देखो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या क्लिक करेंगे, गेट टू स्टार्टेड, फिर यहाँ पे क्रिएट एंड वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है। पासवर्ड यहाँ पे आप जो दोगे ये फॉरगेट नहीं होता है। इन फ्यूचर आप सोचोगे कि ये पासवर्ड जो हम बना रहे हैं वो बाद में हम फॉरगेट कर लेंगे। आपके जो पीसी में क्रोम ब्राउज़र है उस क्रोम ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन के तौर पे, अगर आपका क्रोम ब्राउज़र डिलीट होता है तो ये आपका वॉलेट भी डिलीट हो जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे जो आप दोगे वो ऐसा देना जो आप याद करो और आप लिख के उसको रख लो,
क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मतलब आप देख सको कि हाँ हमने लिख के रखा था। अगर आपने लिख के नहीं रखोगे तो फिर आपको इशू हो सकता है। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पासवर्ड डाल दिया, फिर ये बटन को आपको एग्री करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप अपना एक वॉलेट बना सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सीक्रेट फ्रेज आपको मिला है, आपको ये सीक्रेट फ्रेज आगे काम आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेते हैं। और ये सीक्रेट फ्रेज आपको याद रखना है और कहीं लिख के रखना है। अगर याद नहीं रख सकते हो तो कहीं डायरी में लिख लो। मैं फ़िलहाल अभी नोटपैड में इसको रख ले रहा हूँ और मैं इसको गूगल कीप में अपलोड कर दूँगा, जो कि मेरे लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा, तो वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीक्रेट फ्रेज है, आपको इसी को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखो सीक्रेट फ्रेज में क्या था, सबसे पहले तो ग्रास है, फिर मिस है, फिर टूस है, फिर यूनिवर्स है, फिर क्रिएटिविटी है, फिर हमारा बर्गर है, फिर हमारा वास्ट है, फिर एक्स्ट्रा है, फिर स्टोरी है। तो यहाँ पे जैसे आप जो सीक्रेट फ्रेज डालोगे, एग्जैक्ट जो आपको पहले मिला था उसको, उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। सारे चीज़ डन करने के बाद फिर आपको डन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे सारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अकाउंट नेम आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अकाउंट डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नेम जैसे कि हम रख लेते हैं एड्रिनो। ठीक है, तो ये हमारा समझ लो कि अकाउंट नेम हो गया, और इसको डन कर दिया तो ये हमारा अकाउंट नेम हो गया। तो आप भी चेंज वगैरह कर सकते हो, अब यहाँ पे इसका काम नहीं है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है। तो इसी तरह से ओपन सी करके एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारी चीज़ों का। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ वॉलेट पे क्लिक करना है, और वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको मेटा मास्क यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइज अगर मान लो कि इन फ्यूचर आपको, जैसे कि मेरे साथ क्या दिक्कत आया कि जैसे मैंने मेटामास्क ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था क्रोम में, बट जब मैं ओपन सी के साथ कनेक्ट कर रहा था तो वो कनेक्ट हो नहीं रहा था, बार बार डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा था। तो आप क्या करोगे, अपना क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे क्लोज करोगे और फिर से रीस्टार्ट करोगे, तब जाके सही से वर्क करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन सी अब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है मेटामास्क के साथ। अब हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे पहले कनेक्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ हमसे मेटामास्क का पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड ऑलरेडी हमने जो डाला था वो यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है ना अपने ब्राउज़र में एड ब्लॉक लगा कर रखते हैं, तो एड ब्लॉक की वजह से जो है होता है कि कनेक्शन में इशू होता है। ठीक है, तो अभी मेरे साथ भी वही हुआ था, तो एड ब्लॉक को मैंने डिसेबल किया और इस वेबसाइट पे अब ये मेटामास्क पे आपका मतलब ओपनसी के साथ कनेक्ट हो गया है मेटामास्क। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैसे अपलोड वगैरह करना है वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिर से मेटामास्क का ऑप्शन आएगा, तो साइन इन पे एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट नेट न्यू अकाउंट न्यू आइटम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी कोई भी तरह का आपको फॉर्मेट हो सकता है एनएफटी का, एनएफटी में जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, एसवीजी, कोई भी इमेज, कोई भी फाइल, जो भी डिजिटल फॉर्मेट में हो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना एक लोगो है उसको अपलोड करते हैं। तो ये हमारा लोगो है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब मान लो कि आपको कैसे एनएफटी बनाना है, एनएफटी मतलब कुछ भी, आपका कोई भी एक इमेज हो सकता है। आप कहाँ से बना सकते हो, तो कैनवा से बना सकते हो, फोटोशॉप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा ट्यूटोरियल आपके में जितना क्रिएटिविटी होगा उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, आपको पता कैसे चलेगा कि हम किस तरह का बनाएं, तो आपको बहुत सारे मार्केट प्लेस जैसे ओपन सी है, वजीर एक्स है, वहाँ पे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर पे आप देख सकते हो कि लोग कैसे कैसे एनएफटी बना रहे हैं। तो आपको बस आइडिया लेना है और अपने हिसाब से बनाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ ऐसे चैनल हैं जो जिनको फॉलो करो, जहाँ पे लोग बताते हैं कि 3D में कैसे बनाते हैं, PNG फाइल कैसे बनाते हैं, कोई भी एक लोगो कैसे बनाते हैं, इसे ये सब चीज़ आप सीख के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि हम दे देते हैं एड्रिनो, अमृत एड्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे
यहाँ पे मेरा लोगो लगा के मैं अपने लोगों का नाम यहाँ पे दे दिया हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि मान लो कि हम कुछ ऐसा इस लोगो के साथ देना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आखिर ये जो लोगो है ये क्या यूज़ का है और हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ भी एक वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, तो मैं अपना ही वेबसाइट दे देता हूँ, अमृत एड्रिनो, ठीक है, अमृत एड्रिनो का यहाँ पे .com, amritreno.com ये दे दो, तो डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो अमृत एड्रिनो लोगो, ठीक है। तो समझ लो कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर यहाँ पे देखो आप कलेक्शन बना सकते हो कोई भी एक प्रकार का। फिर यहाँ पे लेवल्स वगैरह है, स्टैटिक्स वगैरह, और यहाँ पे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो अनलॉकेबल कंटेंट, अगर इसको आप डाल दोगे तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा फाइल यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ ऐसा लिंक डाल सकते हो जो भी, मतलब जैसे कि मान लो कि आपने ये लोगो कैसे बनाया तो उसका आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप वहाँ पे उसको अपलोड करके यूट्यूब पे, या फिर उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि जो लोग इसको खरीद रहा है उसको भी पता चले कि आखिर ये कैसे बना था। या फिर आप कुछ भी यहाँ पे मतलब एक गिफ्ट के तौर पे कुछ दे सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पे खेल आता है अगर आप इथीरियम, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लॉकचेन पूछ रहा है कि आप जो NFT अपलोड कर रहे हो वो किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्या इथीरियम यूज़ करेंगे या पॉलीगॉन। तो इथीरियम जो है वो पेड है, ठीक, अगर आप इथीरियम यूज़ करते हो तो आपको $237 के आसपास आपको गैस फी देना पड़ता है। गैस फी क्या है, जब भी आप कोई भी NFT अपलोड करते हो तो आपको वहाँ पे उसका गैस भी देना पड़ता है। अगर हम अभी इथीरियम पे सेलेक्ट करते हैं तो हमको $237 के आसपास, मतलब 17,000 या 11,000 जो भी दिखा रहा था उसके आसपास हमको पेमेंट करना पड़ेगा इस NFT को अपलोड करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे पॉलीगन यूज़ करेंगे, पॉलीगन यूज़ करने के बाद फिर हम यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। पॉलीगन जो है फ्री में आप NFT अपलोड कर सकते हो, ठीक है, OpenSea में आके। तो यहाँ पे देखो मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम इसका प्राइसिंग यहाँ पे देंगे, तो प्राइसिंग अगर हम देना चाहते हैं तो 0.2 इथीरियम हम देना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका वैल्यू, तो 0.02 हम दे देते हैं। तो $47 के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन में आप देख सकते हो जो भी आप नॉर्मल एक महीना का ड्यूरेशन देना चाहते हो या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे फिर से अनलॉक करेंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अनलॉक पे क्लिक करेंगे। तो ये MetaMask के थ्रू यहाँ पे साइन इन करना होगा, तो MetaMask के साथ यहाँ पे साइन इन हो गया। जो भी आपने NFT बनाया है उसका एक पहचान आपको यहाँ से अब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पहचान हो गया, ठीक है। साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो लोगो है, अब ये जो आप देख रहे हो ये सब मतलब ये यूनिक मैसेज है जो कि आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो NFT है लिस्टेड हो गया है, ठीक है। अब कोई भी इसे आके ख़रीद सकता है। अगर आप OpenSea में आके आओगे और लिखोगे अमृत एड्रिनो लोगो तो आपको मेरा जो ये लोगो है आपको वहाँ पे दिख जाएगा और आप उसको ख़रीद भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी NFT अपलोड कर सकते हो फ्री में OpenSea पे और आप भी बहुत पैसे कमा सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। हम बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक टेलीग्राम पे पेड प्रमोशन वगैरह चलता है, वेबसाइट किसी को बनवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट पे एड्रिनो सर्विस पे जाके देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम पे और भी चैनल है अमृत एड्रिनो से, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये तरीका जिससे कि आप NFT बना सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो फ्री में और पैसे कमा सकते हो। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी वाली का भी ख्याल रखिए, और ये दोनों वीडियो देख सकते हैं NFT के ऊपर, आप देख सकते हो कि NFT आखिर है क्या, नीचे आप देख सकते हो कि अर्निंग का तरीका क्या है, तो आप दोनों वीडियो को चेक कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।